हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वाई 200 5G फ़ोन है, तो वीवो वाई 200 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशन लाइट है, तो नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में और कैसे लाइटिंग को नोटिफिकेशंस में शो कर सकते हैं, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करके कैसे यूज़ करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है फ्लैश नोटिफिकेशंस। तो फ्लैश नोटिफिकेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सिंपली जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करके भी आप नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करती जो भी लाइटिंग आपके नोटिफिकेशन में शो करेगी और साथ में इनकमिंग कॉल्स वगैरह में भी शो करती है, क्योंकि हमने इसको ऑन कर दिया। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं, और सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, और एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। बैक करना है, बैक करते ही ऑप्शन आ जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन का, जिसको ऑफ करते हैं लाइटिंग आपके नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल्स पे शो नहीं करेगी, या फिर इसको ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में शो करेगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।